अच्छा ये एक बात बताइए, इस बार जैसे इलेक्शन होगा तो 15 साल का जो कामकाज है ना, उस हिसाब से नीतीश कुमार को कार्यकाल को देखेंगे, उस आधार पर उस 15 सम्मिलित रूप से देखकर वोट दिया जाएगा, या 5 साल का जो ये 2015 से 2020 का है ये वाला कार्यकाल देखकर वोट दिया जाएगा? देखिए, जब से आज़ादी मिला है उसके बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के हाथ में जो सत्ता सौंपा गया, जितना दिन रहे चीफ मिनिस्टर, बस विकास यात्रा वहीं अंत हो गया। उसके बाद बिहार में किसी की सरकार बनी, एक सुई की फैक्ट्री आज तक नहीं लगा। रोड पहले भी था, थोड़ा चौड़ा हुआ है। सुशील कुमार मोदी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि बिहार काफ़ी सघन आबादी वाला इलाका है, जनसंख्या का जो घनत्व है, केंद्रीकरण है, वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में ज़मीन जो है कारखानों के लिए वो अधिग्रहित करना, एक्वायर करना, एक बड़ा इलाका ज़मीन का कारोबारियों को देना किसी कल कारखाने के लिए मुश्किल है, तो ये वजह वो बता रहे थे। क्या लगता है आपको? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। उसको तो बंद हो गया सरकार। चीनी मिल बहुत सा था बिहार में, सब बंद, कहीं चालू नहीं है। जब तक वो रहे चीफ मिनिस्टर तब तक चालू था, उसके बाद एक भी चालू नहीं है। बगल में वारसलीगंज बहुत बड़ा मिल था, मैंने इंडिया में सबसे टॉप चीनीज का माना जाता था वारसलीगंज। हाँ, ख़त्म। उसमें जाइएगा तो बड़का बड़का अजगर होगा, उसमें कोई नहीं चालू। अब जो मंत्री आया कहा चालू कर देंगे, फर्टिलाइजर बना हुआ है बहुत जमाने से, जो आया उसमें 10-20 लाख दे दिया उस दिन प्रोग्राम में, उसके बाद जो गया फिर घूम के उसकी चर्चा ही नहीं है। यही तो चल रहा है बिहार में, जगह ज़मीन का यहाँ दिक्कत उक्कत नहीं है। देता है रुपया तो जब रोड बन गया, देखिए रोड में दिया पैसा सरकार, कुल ज़मीन दे दी, पैसा देगा ज़मीन दे देगा, बनाना नहीं है। बनाना नहीं है क्यों? हाँ। क्या लगता है, क्या रीज़न है, क्या कारण है? कारण है कि जैसे फैक्ट्री बनेगा तो उसमें सरकार को तो बहुत रेवेन्यू आएगा, और ये सब करेंगे दूसरा काम तो उसमें कमीशन आवेगा। बात तो इतना ही। आपका कहना है कि जानबूझ के बिहार को विकास से वंचित रखा जा रहा है? वंचित रखा जा रहा है, बेरोजगारी दुनिया भर के, पहाड़ बंद है, बालू बंद है, मैंने साधारण लोग पहाड़ में नहीं जा सकते हैं। एक एकड़ पहाड़ लेने में 15,000 लगता था, उसको अब 12 एकड़ करके 12 करोड़ से डाक शुरू किया, 12 करोड़ रुपया जिला में किसी को है ये नहीं। पहाड़ लेना मतलब समझे नहीं? पहाड़ का रोजगार यहाँ था, 50,000 लोग यहाँ काम कर रहे थे। अच्छा। उसे प्रभावित हो गए, पत्थर तोड़ना वगैरह, पत्थर तोड़ना। अच्छा। स्टोन जी जी, जिससे रोड बनना है, मकान वकान बंद हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई बाहर का, वो लोग चला रहा है, छोटा लोग 200 क्रेशर था, खत्म हो गया। अच्छा, क्रशर्स जो थे जिसमें 200 में कम से कम 50,000 लोग इसमें लाभान्वित थे, 10,000 लेबर यहाँ रहता था, वो रोजगार खत्म हो गया, सब चले गए दिल्ली, इधर उधर गुजरात कमाने के लिए, क्या करें। बालू है तो उसमें इतना ने 1,000-2,000 ट्रक रोज बालू निकल रहा है, सरकार को रेवेन्यू नहीं जा रहा है, लेकिन उससे हो क्या रहा है कि कमीशन चल रहा है, रेत माफिया। हाँ, उसमें थाना नहीं पार्क कर सकता है कोई गाड़ी बिना कुछ दिए, यही तो हालत है।